हे गाइस, दिस इज आशीष और स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल मनी गुरु डिजिटल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं gandhiji.io के बारे में, रिव्यू करेंगे इसका और बताएंगे क्या है पर्दे के पीछे की सच्चाई और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ प्रमोटर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई स्कैम हो तो आप करके बताओ, दिखा के बताओ कैसे स्कैम है, क्या है ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रिव्यू मैं भी दे दूँ, इनकी आँखें खोल के दिखा दूँ कि भैया देखो इस तरीके से स्कैम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आपने बना दिया है तो वो स्कैम नहीं होगा, ऐसा कोई ये रामबाण आपने कोई दवाई नहीं बना दी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जरूर इसका अंत होगा और कईयों का अंत हो चुका है। तो आपको इस वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में मैं बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे ऐसे लोगों तक ये बात पहुंच सके और लोग जान सके कि क्या है इसकी सच्चाई। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस तरीके के वीडियोस और भी देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम gandhiji.io की वेबसाइट पे। दोस्तों ये है gandhiji.io की वेबसाइट और यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्क्लोज़र में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसे बनाने में इसके जो एडमिन है, जो इसे जिन्होंने इसे बनाया है, उसने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करी है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, सिर्फ और सिर्फ POWH स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो कॉपी मारी है कोड की और नेम चेंज करके टोकन की सप्लाई चेंज करके और इसे बना दिया है। तो दोस्तों ये वही हो गया कि आपने एक सलमान खान का एक डुप्लीकेट बनाया और ला के चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हो लोगों को कि ये तो सलमान खान है, तो ऐसे लोग कैसे बिलीव कर लेंगे कि ये सलमान खान है। हालांकि जो POWS 3D था वो उसे ही लोगों ने स्कैम कहा था, क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ पे पैसे गंवाए थे और वो कैसे गंवाए थे वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दूंगा। पहले इसे इस प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। जो लोग ये स्कैम कहते हैं, इसे ये कहते हैं कि ये एक व्यक्ति चला रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, उसने कोड बना दिया और अब ये जो कोड है इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन हो रहा है, उस पे उसका अब इस पे कोई अधिकार नहीं है। बस ये है कि अगर उसने यहां पे सबसे पहले इन्वेस्ट किया होगा, मतलब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद में, इस DApp को बनाने के बाद में अगर उसने सबसे ज़्यादा टोकन बाय करके रखे होंगे तो उसे सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले आया था व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड उसी के पास होगा और वो कभी भी अपने टोकन सेल करके इथेरियम उसके 2x 3x 4x हो जाएंगे तो वो सेल करके बाहर हो जाएगा और डंप कर देगा इसे, जिससे इसका रेट गिर जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो अगर वो बाय करता है $100 के टोकन तो 10% उसका डिडक्ट हो जाता है, यहाँ पे उसको $90 के ही टोकन मिलते हैं। और अगर वो सेल भी करता है तो भी उसको 10% डिडक्ट होता है, मतलब आज मैं यहाँ पे $100 अगर लगाता हूँ तो 10% बाय करने में चला जाएगा और अगर मैं एक घंटे बाद उसे सेल करता हूँ तो 10% वहाँ भी कट जाएगा। और अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ा है तो मैं सिर्फ $80 लेके निकलूँगा बाहर, तो आप ही बताइए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कब ये $300 से 300 इथेरियम से 600 इथेरियम हो जाए जिससे मुझे कुछ डिविडेंड मिल जाए, और जब वो डिविडेंड मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे सेल करके बाहर हो जाऊँगा। तो हर व्यक्ति यहाँ पर यही चाहता है कि कब मुझे प्रॉफिट मिले और मैं सारे कॉइन सेल करूँ और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँ। तो जो लोग अर्ली आए होंगे और जिन्होंने इसे प्रमोट किया, जिन्होंने रेफरल अच्छा अर्न किया, उनके पास में अच्छे टोकन हो गए होंगे, उनके पास में ज़्यादा इथर हो गए होंगे और वो इसे कभी भी डंप करके निकल सकते हैं। तो जो आज के टाइम में आएगा वो तो लॉस में ही जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय प्राइस 0.24 USD है आज के प्राइस में और सेल प्राइस है 0.2 USD। तो अगर आज के टाइम पर ही आप बाय करोगे और सेल करने जाओगे तो आपको उतना ही प्राइस भी नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा उसके प्राइस को भी बढ़ने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर बाय सेल होता जाएगा, जैसे 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 बाय करेंगे लोग तो प्राइस बढ़ेगा, सेल करेंगे तो प्राइस घटेगा। तो ये चीजें यहां पे है जो आपको समझनी है और यही इस प्रोजेक्ट की जो है वो नेगेटिविटी है, जिसके कारण आपका लॉस हो सकता है। और इसे ही लोग स्कैम कहते हैं, इसे ही पोंजी स्कीम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेफरल बेस्ड सिस्टम सब चल रहा है। कब ये इथेरियम गायब हो जाएंगे, कब लोग सेल कर देंगे पता भी नहीं चलेगा लोगों को। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो होल्डर हैं वो कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 91 होल्डर्स हैं, एड्रेस हैं जो इसे होल्ड करते हैं। और अगर आप यहाँ से सिर्फ 10 मेंबर्स को उठाओगे, 10-11 मेंबर्स को, तो आपको पता चलेगा कि ये 9% इन्होंने होल्ड किया है, जो ये पहला एड्रेस है
उसके बाद में यहाँ पे 10-11 लोगों तक, मतलब 25% सिर्फ 10-11 लोग ही होल्ड करते हैं। तो इन्हें जब भी इच्छा होगी ये सेल करेंगे और डंप करके निकल जाएंगे, तो रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और आप फिर इंतज़ार में बैठे रहोगे कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, और इस तरीके से आप जो है लॉस में ही चले जाओगे। यहाँ पे POWS3D आप देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी है, और बिल्कुल कॉपी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं भी एक दो तीन यहाँ पे बना देता हूँ, आशीष.io बना देता हूँ, सन्नी.io बना देता हूँ, RKG.io बना देता हूँ। आप लोग बिल्कुल आओ इन्वेस्ट करो और बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट गेन करोगे अगर ऐसा आप लोग सोचते हैं तो। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ POWS3D का, जहाँ पे 32,000 इथीरियम जो है कलेक्ट किया है इन्होंने। अब एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि ये स्कैम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो कैसे? यहाँ पे दोस्तों एक और आपको प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद में आपको 100% यकीन हो जाएगा कि GandhiJi.io भी एक दिन स्कैम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि POWS3D था, FOMO3D था, उसी तरीके से यहाँ पे एक व्यक्ति है क्रेग ग्रैंट, जिसने अपना खुद का प्रूफ ऑफ क्रेग ग्रैंट कॉइन बनाया था, और आज उसके क्रेग ग्रैंट कॉइन की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट की स्थिति देख सकते हैं। सेम प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 0.5 USD प्राइस था जब ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है। 56,862 टोकन जो है इन्होंने बनाए थे, 22-23 इथीरियम जो है इन्होंने कलेक्ट किए थे, और उस समय की वैल्यू होती थी $16,251, मतलब $16,000 इन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि इथीरियम का प्राइस भी उस समय ज़्यादा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब ये स्कैम हो सकता है। अभी इनकी वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरी इनकी वेबसाइट ही गायब हो गई है। यहाँ पे आपको और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे dapps.com में अगर आप जाके देखेंगे तो इसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वही की वही चीज़ें मिलेगी आपको, वेबसाइट की वेबसाइट ही पूरी गायब मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से था इसका प्लेटफॉर्म, और सेम यही प्लेटफॉर्म जो है वो गांधी जी का भी है, POWS3D का है, और ये वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं, आज देख लीजिए ये वेबसाइट जो है वो गायब है। तो दोस्तों कुछ भी यहाँ पे अब नहीं रहा और ये स्कैम हो चुका है। तो जब ये स्कैम हो सकता है तो गांधी जी क्यों नहीं हो सकता, POWS3D क्यों नहीं हो सकता? आगे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे ये स्कैम हो सकता है। तो हम बढ़ते हैं इस स्क्रीनशॉट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो जब आरके जी ने बनाया था तब का है, उस समय अगर आप देखेंगे तो 0.23 USD प्राइस हुआ करता था ये इथर का, इतने इस टोकन का, और 17,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, अभी तो और 20-25,000 लोगों ने देख लिया होगा। कितने सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, इससे इनको रेफरल बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला होगा, इसीलिए आज ये इसका गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के ये स्कैम है। हालांकि ये अब नहीं बताएंगे कि इन्होंने काली कॉइन प्रमोट किया था, इन्होंने बीथर कैश किया था, इन्होंने काकोसिन किया था, जो काजू टेल किया था, जो सब स्कैम हो चुके, और उसके बारे में अभी इनको बताने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ गांधी जी डॉट आईओ के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है। तो आरके जी आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, गांधी जी डॉट आईओ भी स्कैम हो सकता है, प्रूफ बहुत सारे मैंने दे दिए हैं अभी, और मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आपको और पता चल जाएगा। 8 इथीरियम, 8.7 इथीरियम थे यहाँ पे, उसके बाद में राशिद भाई ने प्रमोट किया इसे, और उस यहाँ पे हो गया रेट 0.8 USD, 85 इथर आ गए थे सीधे, 8 से 85 धीरे धीरे यहाँ पे प्रमोशन के बाद में आ गए। और यहाँ पे प्रमोशन के पहले जब वीडियो पहला आया था इनका तो 83 थे, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 85 आ गए। मैंने ये स्क्रीनशॉट्स कुछ लेके रखे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और स्क्रीनशॉट जो कि है संदीप भाई का, आप संदीप भाई थोड़ा सा पर्सनली आप मत लेना, लोगों को समझाने के लिए आपका स्क्रीनशॉट मुझे उठाना पड़ रहा है। 12 मई का ये वीडियो है, जहाँ पे 152 इथीरियम इन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, और प्राइस हो गया था 1.26 USD गांधी जी डॉट आई ओ का। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट पे, जो कि नेक्स्ट डेट पे ही अगले ही दिन इन्होंने दी थी, क्विक अपडेट सेकेंड, जहां पे प्राइस हो गया था 1.28 USD, 161 जो है 162 कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस हो गया था इथीरियम का यहां पे। और उसके बाद की अपडेट मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि क्या हुआ यहाँ पर। देख सकते हैं 161 के बाद में 29/5 का ये स्क्रीनशॉट है गांधी जी डॉट आईओ की वेबसाइट से, जहाँ पे 78 इथीरियम बचे थे,
यहाँ पे टोटल आईएनडी टोकन इतने थे 119281, और अभी आप जाके देखोगे तो ये टोकन भी बढ़ गए होंगे, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने टोकन सोल्ड कर दिए। तो जब यहाँ पे टोकन सेल हो गए तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस कम हो गया और इसका प्राइस ऑटोमेटिक डिप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.74 यूएसडी हो गया, सेल का 0.61 हो गया। अब अगर आप सोचिए आपने इस प्राइस पे बाय किया होगा 1.28 यूएसडी में और 29.5 को अगर आप निकलना चाहते हैं तो क्या आप निकल पाते? क्या आपको इतना डिविडेंड मिल गया यहाँ पे कि आपका 2x 5x हो गया? और अगर मैं बात करूँ इस पहले वीडियो की जो कि 15 अप्रैल को बना था ये वाला वीडियो, तो इथीरियम का प्राइस 15 अप्रैल को देखा जाए तो $500 था और यहाँ अब मई आते आते $600-$700 भी हुआ था। और अगर उस रेट से मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं $700 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने INR से बाय किया होगा इथीरियम, और INR में $500 अगर प्राइस है तो ₹35,000 मैंने खर्च किए। और आज के टाइम पे वही ₹35,000 मैं जब सेल करता हूँ एक इथीरियम, तो सोच सकते हैं आपके हाथ में कितना आएगा, ₹6,500 गिनती के आएंगे और आप फिर भी लॉस में होंगे। चाहे कितना भी डिविडेंड आपको मिले, कितना भी आपको रेफरल मिले, आप लॉस में ही होंगे। इवन अगर आपने 5x भी इथीरियम यहाँ से निकाल लिए हैं तो भी आपको लॉस ही होगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी है यहाँ पे, और इस तरीके से आपके साथ में स्कैम हो सकता है और इस तरीके से आपके पैसे डूब सकते हैं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। जो चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी का प्राइस आप देख सकते हो $89 हो चुका है इथीरियम का। कितना भी यहाँ पे अर्न करेगा व्यक्ति, अगर 5x या 5x भी हो गया तो कितना जाएगा? अब यहाँ पे 322 ईथर है। अगर यहाँ पे आज आपने इन्वेस्ट किया 0.24 यूएसडी का, आप 10 दिन बाद देखना, अगर ये 322 से 50 ईथर भी कम हो गए तो इसका प्राइस गिर जाएगा और आपको लॉस ही लॉस होगा। तो दोस्तों, आप चाह के भी यहाँ पे निकल नहीं सकते हो, आपको लॉस में ही निकलना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रहे होंगे, तो वो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको रेफरल मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इस कारण से वो दिखा भी पा रहे होंगे। पर मेरे हिसाब से अगर आपने एक इथर 15 अप्रैल को इन्वेस्ट किया होगा $500 पे लेके, INR में 35,000 मान लीजिए, और अगर आज आपको 5 इथर भी मिलता है तो भी आप लॉस में हैं, क्योंकि 90 × 5 कर लो तो $450 ही हाथ में आते हैं। आप बेच के दिखाओ, आपको लॉस ही होगा। यहाँ पे अगर 100 टोकन संदीप भाई ने ही 1.28 में बाय किए थे, जो कि यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट कहता है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने 1.28 पे $100 जो कि यहाँ पे दिख रहा है बाय किए, और अगर वो 29.5 को सेल करते हैं तो क्या लगता है आपको उन्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा? और जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो लॉस में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल प्राइस जो है 0.61 है, और अगर वो सेल करेंगे 100 टोकन तो 10% और डिडक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको लॉस ही है यहाँ पे। और इस तरीके से दोस्तों आपके साथ में यहाँ पे स्कैम हो सकता है। अब सन्नी पाजी यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि जो लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि ये इंडिया के पहले यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वही यूट्यूबर जिन्होंने स्कैम्स को प्रमोट किया आप उन्हें एक्सपोज नहीं करोगे। मतलब जो व्यक्ति आपके gandhiji.io को अच्छा कह दे वो आपके लिए अच्छा है, जो gandhiji.io को प्रमोट ना करे वो आपके लिए बुरा है। सुमित को आपने एक्सपोज किया, MLM अमन को एक्सपोज किया, और यहाँ पे पुष्पेन भाई को एक्सपोज किया, बहुत सारे लोगों को आप किए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते आपका ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करना। हो सकता है कल आप मेरे लिए भी एक वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने आपको सारी यहाँ पे असलियत लोगों के सामने बता दी है। तो दोस्तों यही है असलियत और यही होने वाला है। सन्नी पाजी इस तरीके से मत करो, इनका भी कुछ देखो नेगेटिविटी, इन्होंने भी बहुत सारे स्कैम्स प्रमोट किए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा वीडियो बनाओ, लोगों को जागरूक करो। अगर आप इतना ही स्वच्छ क्रिप्टो चाहते हो और नहीं चाहते हो तो फिर आप भी स्कैमर हो, और ये चीज़ें जो कर रहे हो आप भी गलत कर रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए कर रहे हो, अदरवाइज आपके पास में इतना फोकट का टाइम तो है नहीं जो आप इसे प्रमोट कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे RK जी ने प्रमोट किया है, अभी कल परसों का ही ये ट्वीट है, gandhiji.io इज ए ग्रेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट /DApp एप्लीकेशन, ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, रॉकेट फायर सून। जो लोग इसको स्कैम चिल्ला रहे थे उनके मुंह पे तमाचा, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सिर्फ 3 लोगों को यहाँ पे इन्होंने टैग किया है जो इनके खासम खास हैं, क्रिप्टो पेंडू जो कि सन्नी हैं, और यहाँ पे राशिद भाई हैं, महावीर गर्ग, ये भी बहुत डिबेट करते रहते हैं अक्सर लोगों से। अभी क्रिप्टोनेटर से डिबेट कर रहे थे, जब क्रिप्टोनेटर ने कह दिया कि भैया जो लोग प्रमोट कर रहे हैं क्या वो स्कैमर नहीं है, क्योंकि आपका वो प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कहे नहीं, हमको हमारी
कोई गारंटी नहीं है वो व्यक्ति स्कैमर है या नहीं है, हमारा प्रमोट कर रहा है ना, बस ये हमारे लिए अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको समझनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म जो है वो चल रहा है कंटिन्यू 7-8 महीने से तो वो स्कैम नहीं है, आपको रिटर्न कितना आ रहा है वो आपको देखना है। ऐसे तो काकुसिन भी चल रहा है, पर आपने अगर वहाँ पे 10,000 रुपये लगाए हैं तो क्या आज आपके 10,000 रुपये रिटर्न आ गए? वो लोग लाइव सब चीज़ें आके कह रहे हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है, हमने सब कर दिया है। लोग यही लोग थे जो 100x कहते थे, राशिद भाई ने 100x का यहाँ पे आपने देखा होगा थंबनेल लगा के कहा है। तो 100x क्या अभी 1x 2x भी नहीं मिला, इवन जितना लगाया है वो भी रिटर्न नहीं आया। तो ये लोग जब इस तरीके से कर सकते हैं तो आप इनके ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हो? यही लोग चिल्ला रहे हैं आज कि ये जो है स्कैम नहीं है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन इन सब से ये है कि अगर आप लोगों को इतना ही ज़्यादा नॉलेज है तो आप लोग जो स्कैम्स प्रमोट करते हो उसमें आप लोगों की आँखें क्यों बंद रहती है? आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं बताते कि ये स्कैम है और ये इसमें आपके पैसे डूब सकते हैं? आप लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सलाह क्यों देते हैं और यहाँ पर आप क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स कर रहे हैं? आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो, ट्वीट यहाँ पे कर रहे हैं कि जो स्कैम चिल्ला रहे थे उनके मुंह पे तमाचा और इस तरीके से। तो ये क्या बात होती है? कल भी मैं यहाँ पे अगर लेके आ जाऊँ सन्नी टोकन बन्नी टोकन तो क्या आप मेरे प्रमोशन करने लग जाओगे? क्या आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे? तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है आपके इन्वेस्टमेंट का। लोग यहाँ पे कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया में ये सब चीज़ें आम हो चुकी है और कोई भी आके यहाँ पे पेड चैनल बना लेता है। आप ही सोचिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ कल तक न्यूज़ देता था आज वो अपना पेड चैनल बना के लोगों को स्कैम कर रहा है, लोगों को लुटवा रहा है, जस्ट कॉपी और पेस्ट कर रहा है। मैंने खुद यहाँ पे आपको 2-3 स्क्रीनशॉट शेयर किए, अभी मनी किंग के साथ में आप फाइटिंग देख ही रहे थे, उसने भी डायरेक्टली यहाँ पे वो कर दिया कि जो गुप्ता जी हैं वो डायरेक्टली इनके जो सिग्नल है वो कॉपी कर रहे हैं, अब वो ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कॉपी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि समझ में आ रहा है कि आप जो है कुछ नहीं कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देने का नॉलेज है, आप खुद ट्रेडिंग नहीं करते हो और दिखाते हो कि आपके टेलीग्राम सिग्नल को लेके एक व्यक्ति ने BMW खरीद ली। वायर मतलब ऐसे मार्केट में कोई BMW ले रहा है तो ये एक मजाक नहीं तो और क्या है, अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं लोग। और अगर वाकई में BMW ले रहा है तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हो BMW? आप खुद लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाओ कि यहाँ पे आपने कितना अच्छा अर्न किया है, कितना आप कमा रहे हो। जो व्यक्ति के पास में इतना नॉलेज है, जो व्यक्ति इतना प्रॉफिट करा रहा है, लोगों को BMW दिला रहा है, वो खुद फरारी से क्यों नहीं चल रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या सारी चीज़ें चल रही है। और आई होप आपको ये गांधी जी टोकन का सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको फंसना है तो बिल्कुल आप $100 लगाओ और आप वेट करके देख लेना, यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं बिल्कुल वैसा ही होगा आपके साथ में। कब यहाँ पे इथेरियम गायब हो जाएंगे, कब आप वापस से फंस जाओगे, आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर आप सोचोगे कि यार मैंने जो कहा था वो वाकई में सही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस तरीके के वीडियोस देखने को मिलते रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।